to my YouTube channel. So this is me, Aliza Ali, and you're watching Learn and Explore. So as you all know, in starting of the video, I am in Karachi University. So today's vlog is very interesting, and today is very interesting day for me also. So आज आप लोगों को एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाऊंगी जो बहुत ही टैलेंटेड है माशाल्लाह, एंड ही इज़ माई क्लासमेट. सो उनसे मिलते हैं. और बाकी जो मैं आज के UBS जाऊँगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए. सो वो काम क्या है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में पता चलेगा. सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी, और उस पर्सनैलिटी से मैं आपको मिलवा दूँगी. स्टूडेंट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सो चले उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो अपनी आगे वाली लाइफ में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्या न्यू काम स्टार्ट कर रहे हैं. सो प्लीज़ वेलकम हसीब उस्मान. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. तो प्लीज़ हसीब अपने बारे में बताएं कि आजकल क्या हो रहा है, क्या करने वाले हैं आप? मैं जो है अभी इस वक्त तो फिलहाल करियर कर रहा हूँ. वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप मेरे क्लासमेट हैं, वो मैं बता चुकी हूँ. काम क्या करने वाले, तो आपने मुझे कल बताया कि आप. हाँ, आपको मैंने बिल्कुल किताब के बारे में बताया था कि मैं अपनी जिंदगी ऊपर किताब लिखना चाह रहा हूँ. तो जैसे आप भी कहते हैं, तो उसमें मैं अपने जितने भी एहसास हैं, जितने भी जज्बात हैं, जो कुछ मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, जो बचपन से लेके अब तक का जो टाइम है मेरा, तो उसमें जो है ना जितनी भी चीज़ें मैंने अपनी सीखी हैं, जितने भी एहसास और जज्बात हैं, वो सबको मैं इंशाल्लाह उसमें बयान करूँगा. और हर लिहाज से उसका हर पहलू से अपनी जो लाइफ को जो है उसको बताऊँगा, ताकि जो आने वाले लोग हैं, आने वाले जो नस्ल है हमारी, उसको पता हो कि हमारे हालात किस तरह के रहे हैं, और हम लोग क्या किस तरह से हमने मतलब स्ट्रगल करके किस कहाँ तक पहुँचे हैं, और क्या किया हम लोगों ने, ताकि उन लोगों को एक वे मिल जाए, वे ऑफ लाइफ मिल जाए कि वो किस तरह से जो है ना अपनी जिंदगी को उनको चलाना चाहिए. तो आपके माइंड में आइडिया कहाँ से आया कि मुझे या फिर अपनी आगे के बारे में लिखना चाहिए? मेरे ख्याल से तो खैर हर इंसान को चाहिए कि अपने हवाले से लिखे, ताकि हो सकता है हर किसी की ज़िंदगी से कुछ ना कुछ इंसान को सीखने को मिलता ही है ना. तो इसलिए मैं चाह रहा था कि अपनी ज़िंदगी से मैं किसी और को कुछ डिलीवर कर सकूँ, कि मैं क्या मैंने सीखा है, और जो अच्छे से अच्छा काम हो सकता है मैं उसमें, और जो चीज़ें पब्लिश कर सकता हूँ अगर मैं, जो ऐसे वाकया जिनसे कोई सबक मिलता हो, तो मैं इंशाल्लाह उसको पब्लिश भी करूँ. तो कोई काम भी कर रहे हैं साथ साथ के पास अभी? हाँ, फिलहाल मैं अपने जो ना कारोबार कर रहा हूँ, चाइनीज चौक के नाम से एक हमारी अच्छा शॉप है जो रफ़ाम है, और उसको क्या नाम वहाँ पर हम लोग काम करते हैं. सो ये एक इंस्पिरेशन है हमारे सामने कि ये पढ़ भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, और अभी अपनी बुक भी लिख रहे हैं अबीती के नाम से. सो इस तरह सबको करना चाहिए, साथ साथ डिफरेंट काम भी करने चाहिए. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा, मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है. सो चलें अभी हमने अपने इंटरव्यू के लिए अपने KUPS जाना, तो वहाँ चलते हैं. तो हम लोग अब KUPS जा रहे हैं, हम लोग अपने रिक्शा ले लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं. आर यू एक्साइटेड? यस, वेरी एक्साइटेड. सो देखते हैं अब वहाँ जाके क्या होता है. बहुत नर्वसनेस फील हो रही है, दिल को कुछ कुछ हो रहा है. सो जाते हैं अब, देखें क्या होता है. धड़कन तेज हो गई बहुत ज़्यादा. बताएंगे क्या होगा हमारे साथ इंटरव्यू में, हमारे साथ क्या क्या हुआ. तो अभी हम मैं वहाँ पहुँच के आपसे बात करती हूँ. 2000 years later. KUPS. Yes, हम लोग पहुँच गए हैं. Yes. KUPS. अब हम जा रहे हैं अंदर. नहीं, हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं. अभी हम थोड़ा देखेंगे कि हमें कहाँ जाना है, हमें पता ही नहीं है. Yes. जाना कहाँ है, क्या करना है. ऑडिटोरियम में. सो आज हमारा इंटरव्यू था, ये थी एक स्पेशल न्यूज़ जो मैं आपको वीडियो के फर्स्ट बताया था. सो अभी आपको इंटरव्यू के बाद मिलती हूँ, और देन आप एक्सपीरियंस शेयर करूँगी. सो स्टे ट्यून्ड.